Maybe we can be what you wanna. And it's alright with me. But baby, if you leave, you don't have to worry. I want you. First. चलो भाई देखो अपने क्या कर। सो हियर गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आगे भी गाइस बढ़िया ही रहने वाले हैं। तो आ गया तुम्हारा भाई गाइस एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। और गाइस देखो, आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रहने वाली है। क्योंकि देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपका डिवाइस देखो 3GB का है ना, तब गाइस आप लोगों को यहां पे फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स में ना एक गाइस परफेक्ट वन टैप हेडशॉट मारने के लिए कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग गाइस कितना रखना है। गाइस यार देखो, यहां पर मेरी पिछली वीडियो में गाइस मैक्सिमम जो कमेंट है ना उनमें गाइस यही बताया गया है कि आप लोगों का डिवाइस जो वो 3GB का है और गाइस उन लोगों को यहां पर अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग का पता नहीं। तो देखो डोंट वरी गाइस, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो। गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को इस अपने डिवाइस में कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग को कितना रखना है। गाइस देखो होने क्या वाला है, आप लोग अगर फ्री फायर मैक्स भी खेले हो ना गाइस, आप लोग फ्री फायर मैक्स में भी हर एक गन से एकदम से रेड नंबर में डैमेज देने वाले हो। साथ ही साथ में आप लोगों के करेक्टर की मूवमेंट स्पीड भी गाइस यहां पर बिल्कुल पागल M10 की तरह, राय स्टार की तरह फास्ट जो है वो होने वाली है। देखो अगर आप लोग चाहते हो गाइस आप लोगों की बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग प्रोवाइड हो 3GB रैम के लिए, तो गाइस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना। और यार देखो, जो बंदा चैनल पर नया है बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई सब्सक्राइब कर देना। जो गाइस रेड कलर का बटन दिया है ना उसको गाइस क्लिक करके साथ में बेल वाले आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर सेट कर देना। इससे यार देखो आगे आने वाली और भी हेल्पफुल वीडियोस ना आप तक जल्द से जल्द जो वो पहुंचती रहेगी। तो देखो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गाइस आप लोगों को 3GB रैम वालों को अपने गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग में गाइस क्या-क्या चेंजिंग करने हैं यहां पर परफेक्ट वन टैप हेडशॉट मारने के लिए। तो चलो यार गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को छोटे से इंट्रो के बाद। ओके सो गाइस यार देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास गाइस यहाँ पे 6 यहाँ पे सेंसिटिविटी सेटिंग होती है। अब यार देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो गाइस देखो सारी सेंसिटिविटी सेटिंग होती है ना, जिस प्लेयर ने यार देखो ये सारी सेंसिटिविटी सेटिंग अपने डिवाइस के हिसाब से एकदम से सेट कर ली है, वो गाइस देखो वन टैप हेडशॉट भी मारता है। एंड साथ ही साथ में गाइस उसके करेक्टर की मूवमेंट स्पीड बहुत ही इजी तरीके से फास्ट जो है वो हो जाती है। तो यार देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग इस 3GB रैम वालों को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग जो वो किस तरीके की रखनी है फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्री लुक की बात करते हैं। तो यार देखो, अगर आप लोग फ्री लुक का यूज करते हो ना, आप लोग गाइस ये आई बटन देख रहे हो, अगर आप लोग इसका यूज करते हो मूवमेंट स्पीड के लिए, तो यार देखो आप लोगों को फ्री लुक की सेंसिटिविटी सेटिंग को हमेशा 90 तक लेकर आना है। आप लोग बिल्कुल राय स्टार की तरह मूवमेंट कर सकते हो अगर आप लोग फ्री लुक का यूज कर रहे हो। और साथ ही साथ में आप लोग एम भी गाइस यहां पर बिल्कुल हेड के ऊपर कनेक्ट जो वो कर सकते हो। फिर उसके बाद गाइस हम लोग यहां पर ऊपर स्नाइपर स्कोप देखते हैं। तो यार देखो, अगर आप लोग स्नाइपर के भी शौकीन हो ना, कार 98 MA2 भी AWM गन चलाते हो, तो यार देखो आप लोग स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग को 3GB रैम वालों को 60 से लेकर 65 तक के बीच में जो वो लेकर आना है। इसे देखो आप लोगों को दो बेनिफिट रहने वाले, एक तो गाइस आप लोग यहां पर AWM से गाइस बहुत ही इजीली यहाँ पर रेड नंबर में डैमेज देने वाले, और साथ ही साथ में गाइस आप लोग यहाँ पर अपनी AWM या फिर कार 98 को ना, अगर आप लोग डबल कार 98 या फिर AWM चलाते हो, तो गाइस आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर अपनी गन को जो वो स्विच कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप लोग यहाँ पे स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग को समझ गए होंगे। फिर गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये 2x और 4x स्कोप की बात करें ना, तो यार देखो आप सभी ने देखा होगा बहुत से प्लेयर देखो 2x और 4x स्कोप से भी बहुत ही तगड़े तगड़े रेड नंबर में डैमेज देते हैं। यार देखो ये तभी पॉसिबल होता है क्योंकि जब तक आप लोग ये 4x और 2x स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग बढ़िया नहीं होगी ना, आप लोग कुछ भी कर लो SMG AR की गन से गाइस आप लोग 2x और 4x स्कोप से वन टैप हेडशॉट जो है वो नहीं मार सकते। तो यार देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हो गाइस आप लोग SMG या फिर AR की गन से 2x और 4x से भी गाइस बहुत ही तगड़े तगड़े रेड नंबर में डैमेज दो ना, तो यार देखो आप लोगों को 3GB वालों को 2x और 4x स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग को देखो 75 तक जो है वो लेकर आना है। गाइस यार देखो, अगर आप लोग इन सेंसिटिविटी सेटिंग को 75 तक रखते हो ना, तो यार आप लोग एक बार देखना, आप लोग यहां पर बहुत ही इजीली तरीके से रेड नंबर में डैमेज भी दोगे, और गाइस आप लोग जब भी स्कोप के साथ खेलोगे ना, आप लोग बहुत ही इजीली यहां पर रेड नंबर में डैमेज जो वो दे सकते हो। फिर गाइस आप लोग यहाँ पर ये ऊपर देख सकते हो गाइस हमारी रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग। देखो रेड डॉट भी गाइस तभी हमारा इंपॉर्टेंट होता है जब गाइस हमारे पास स्कोप नहीं होता, और यार देखो आप लोगों को 3GB रैम वालों को ना रेड डॉट से गाइस यहाँ पर हेडशॉट मारने के लिए या फिर रेड नंबर में डैमेज देने के लिए अपने गाइस रेड डॉट की सेंसिटिविटी सेटिंग को हमेशा 85 तक लेकर आना है। आपको इसे ज्यादा हाई नहीं रखना है और ना ही गाइस आप लोगों को इसे कम करना है। इससे गाइस देखो आप लोगों को बहुत ही तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, और गाइस यहाँ पर आप लोग SMG या फिर AR की गन से भी ना बहुत ही गाइस तगड़े तरीके से रेड नंबर में डैमेज जो वो दे सकते हो। गाइस आप लोग ये सारी स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग समझ गए होंगे। अब यार देखो यहाँ पर बारी आती है हमारी मेन सेंसिटिविटी सेटिंग की, जो कि गाइस रहती है हमारी जनरल सेंसिटिविटी। तो यार देखो इस सेंसिटिविटी सेटिंग को ध्यान से समझना, क्योंकि यार देखो आप लोग यहाँ पर बहुत सारी गलती करते हो, और यार जिस प्लेयर की ये जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग गाइस तगड़ी नहीं होगी ना, आप लोग कुछ भी कर लो, ना ही आप लोग इस करेक्टर की मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होने वाली है, और ना ही गाइस आप लोग यहाँ पर वन टैप हेडशॉट जो वो लगा सकते हो। गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यार 3GB रैम जो होती है ना वो गाइस यहाँ पर काफी कम होती है फ्री फायर मैक्स के लिए। तो यार देखो आप लोग अपनी करेक्टर की मूवमेंट स्पीड को बढ़ाने के लिए ना हमेशा गाइस अपनी
अपनी जनरल की सेंसिटिविटी सेटिंग को इतना पॉसिबल करना है कि आप लोग इसे 100 के ऊपर ही रखो। देखो अगर आप लोग की जनरल की सेंसिटिविटी सेटिंग 100 होगी ना तो गाइस इससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो गाइस आप लोगों की करेक्टर की मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होगी और साथ ही साथ में गाइस आप लोग अपना एम जो है ना वो गाइस काफी इजीली तरीके से ड्रैग करते हुए हेड के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ में गाइस आप लोग किसी भी डेजर्ट ईगल शॉट गन वुड पेकर गाइस कोई सी भी गन होगी ना आप लोग अगर जनरल की सेंसिटिविटी सेटिंग हाई होगी तो गाइस आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से ड्रैग करते हुए वन टैप हेडशॉट जो वो मार सकते हो। सो मेक श्योर गाइस आप लोग ये जनरल की सेंसिटिविटी सेटिंग को भी हाई के ऊपर ही रखोगे और आप लोग भी गाइस यहां पर बहुत ही तगड़ी गेम प्ले शुरू जो अब करने वाले हो। तो गाइस आप लोग बताओ यार आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। यार वीडियो जरा से भी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रही है ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस यार गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।